कबाड़ नीति 1 अप्रैल से लागू, 22 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा 15 साल पुराना वाहन, प्रस्ताव शासन के पास। 1 अप्रैल से कबाड़ नीति लागू हो रही है। इस नीति में यदि कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे लगभग 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसका दाम मिलेगा। परिवहन विभाग ने इस सिफारिश के साथ प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। दरअसल विभाग ने इस दाम के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के मानक को ही आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार किया है। वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90% ही भुगतान होगा। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी कबाड़ नीति लागू हो रही है। इस नीति में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में बेचने की तैयारी है। इसमें राज्य सरकार के सभी 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ करना होगा। इसके लिए सरकार ने 2 लक्ष्य तय किए हैं। पहले लक्ष्य में सभी अवधि के सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करना है। इसमें सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, उपक्रमों आदि के वाहनों को लेना है। दूसरे लक्ष्य में निजी वाहनों को लाना होगा जिनके लिए स्वैच्छिक रूप से नीति तय की गई है, यानी वे यदि चाहे तो इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 12 कबाड़ सेंटरों पर काम शुरू हो गया है, सभी निजी संचालक हैं। इस्पात मंत्रालय का मानक है कि खरीद के पिछले 3 महीने के कबाड़ रेट का औसत निकालकर इसकी खरीद तय की जाए। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक इस समय यह औसत 40 से 45 रुपए प्रति किलो आ रहा है। ऐसे में इस पूरे रेट पर तो खरीद नहीं हो सकती क्योंकि कबाड़ सेंटर को भी अपना सारा खर्च इसी से निकालना है। ऐसे में लगभग आधे वे अपने यहाँ कबाड़ खरीदेगा। लगभग 22 रुपए प्रति किलो का यह रेट बन रहा है। निजी वाहनों की बात करें तो उनकी आयु तय नहीं की गई है। 15 साल बाद ऐसे वाहन की फिटनेस करानी होती है। यदि वह फिट है तो उसका पंजीकरण अगले 5 साल के लिए रिन्यूअल हो जाता है। ऐसे निजी व्यावसायिक वाहन, ट्रक आदि वाहन का भी हर 2 साल में फिट होने की स्थिति में रिन्यूअल होता रहता है। हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम समाप्त कर दिया गया है। वहाँ पेट्रोल चलित वाहन की उम्र 15 साल और डीजल वाहन की उम्र 10 साल तय कर दी गई है। इसके बाद उनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं होगा। या तो उन्हें NCR से बाहर ले जाना होगा या फिर कबाड़ में बेचना होगा।